हर हर महादेव गाइस। तो मैंने सोचा कि आज मैं शिव टेम्पल जाऊँ जो अंबरनाथ में, तो मैंने बस से सीधा सीएसटी उतरा और सीएसटी से मैंने फास्ट ट्रेन पकड़ने का सोचा, बट वहाँ से फास्ट ट्रेन नहीं थी तो मेरे नींद आ रही थी, मैंने कॉफ़ी ले ली। कॉफ़ी लेने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से कल्याण तक फास्ट ट्रेन, तो मैंने सीएसटी टू कल्याण फास्ट ट्रेन पकड़ के जा रहा था। तो मुझे दादर में कुछ ऐसे रश दिखे, फिर उसके बाद मैं कल्याण पहुँचते ही देखा कि वहाँ से स्लो ट्रेन पकड़ना था। स्लो ट्रेन पर मुझे इतना ज़्यादा रश मिला कि मैं क्या बोलूँ। फिर मैं अंबरनाथ पर उतरा, अंबरनाथ के उतरने के बाद मैंने ब्रिज पर कुछ ऐसे हीरो वाली एंट्री मारी। फिर इस जाते हुए मुझे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति दिखी, तो वहाँ पर मैंने प्रणाम किया और फिर वहाँ से मैंने ऑटो ले लिया। ऑटो लेने के बाद मैं सीधा अंबरनाथ टेम्पल पहुँचा। अंबरनाथ टेम्पल पहुँचने में 2 मिनट का वॉक था। 2 मिनट के वॉक के बाद मैंने अपना चप्पल ड्रॉप किया और वहाँ पर देखते ही मैं पागल हो गया कि मुझे पता नहीं कहा था कि मैं देखते ही रह गया कि ये ऐसा टेंपल है यहाँ पे अभी भी जो मुंबई में है। एक्चुअली सारे टेंपल इंडिया में है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे टेंपल है जो बहुत ही हिडन है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। मैंने नंदी जी के कान में कुछ विश मांगी और मैं अंदर चला गया। अंदर वीडियो अलाउड नहीं था इसलिए मैंने बाहर से सिनेमेटिक शॉट्स लिए जो आप देख सकते हो। अंबरनाथ में लोग, मैंने सुना हो कि 1000 वर्ष पहले पांडवों ने बनाया था और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ के राजा ने बनाया था। मुझे पता नहीं है कैसी थी क्या था, बट यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स थे छोटे छोटे, यहाँ पे एक लेक भी है जहाँ पे कछुए थे। तो ये थी अंबरनाथ की कहानी। फिर मैंने मेरी चप्पल लेके फिर से चला गया और इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।